यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ के रालोद के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार वास्तव में उद्योगपतियों के हित साधने में लगी है, क्योंकि अगले साल होने वाले चुनाव में ये उद्योगपति ही भारतीय जनता पार्टी को चंदा देकर मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता आज भी गरीबी और मुफलसी का शिकार है, जिसके कारण समाज का अति महत्वपूर्ण ये तबका आत्महत्या करने तक को विवश है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 7,000 करोड़ रुपए के पैकेज की केंद्र सरकार की घोषणा महज एक छलावा है। गन्ना किसान के नाम पर आवंटित ये पैसा पहले की तरह अधिकारियों और मिल मालिकों के बीच बंदर बांट का शिकार हो जाएगा। किसानों के नाम पर दी जा रही सब्सिडी वास्तव में मिल मालिकों को दी जा रही है। इसने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आपको बता दें, गन्ना किसानों की मांग जो काफी समय से उत्तराखंड में चली आ रही है, जहां पर गन्ना किसान बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उनके लागत का मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि उद्योगपतियों के हित को साधने में है ये सरकार। रालोद के महासचिव का बीजेपी पर ये बड़ा वार है। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार पर कई जुबानी हमले किए हैं।